हम जो है बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल बाजरे का रोटी, मेथी और चावली की सब्जी और मिक्स सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चौली, लाल चौली की भाजी। अभी इसको हम फ्राई करके लेंगे। थोड़ा सा भून के लेंगे। थोड़ा सा लाल होने तक भूनने का। अभी थोड़ा भुनेंगे और इसका खुशबू भी आता है। हाँ। जब वो भूनते रहते हैं इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है और भाजी भी बहुत अच्छा लगती है। हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है। ये देखिए इतना अच्छा सा ऐसा भुनने का। अभी निकाल लेंगे प्लेट में। ये धो के ली हूँ, भून के अच्छे से धो के ली हूँ। अभी हम इसको पकाएंगे। गर्म पानी में डाल के मम्मी इसको कितने देर उबालना है? अभी इसको अभी पकने का भिगने तो नहीं डाला, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। 10 मिनट तो लगेगा। ऐसी है ना वो, ये भिगाया। चलिए इसे उबाल लेंगे। चावली हमारा पक के अच्छा सा पक गया है हमारा चावली। देखिए अभी इसका पानी हम निकालेंगे। अभी हम मसाला बना लेंगे। हरा मिर्ची, लहसुन अभी इसको पीस लेंगे मिक्सर में डाल के। इसको दोनों को पीस लेंगे। हरी मिर्ची, मिर्ची और लहसुन पीस लेंगे। मिर्ची और लहसुन पीस के लिए ऐसी थोड़ा दरदरा पीसने का। लेकिन ये एक मसाला नहीं है, दो भाजी का मसाला है। ज़्यादा मिर्ची डाल के पीसी, जैसे कि दो भाजियाँ जो हमने पहले मेंशन किया था, अभी दो भाजी के लिए वही मसाला, सेम मसाला है। अभी चौली का भाजी को तड़का मारेंगे। अभी मैं कढ़ाई ली हूँ, अभी तेल डालेंगे इसके अंदर। लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा कांदा, अच्छे से भून लेंगे। ये हरा मिर्ची लहसुन को पेस्ट डालेंगे। चौली के भाजी में अपन मेथी भी डालने वाले हैं। मेथी डालेंगे उसके अंदर ये तड़के में। मैंने काट के अच्छा धोई है मेथी। हमारा भाजी पक रहा है। अभी इसमें हम जो पकाए हैं वो चौली ये डाल देंगे इसमें। ये डाल के भाजी पकने तक अच्छा पकाएंगे। वाओ कितना कलरफुल लग रहा है मम्मी। मेथी का भाजी और चौली ये डालेंगे ना, बहुत अच्छा खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। अभी इसको क्या ढक के रखना है? हाँ, ढक के रखना है। तो ढक के रखेंगे 5 मिनट तक। हाँ, पकने के लिए नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हल्दी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अभी हम इसको थोड़ा 5 मिनट तक पकने देंगे, इसको पानी सूखने तक ढक के। हमारा भाजी देख लेंगे, 5 से 7 मिनट हो गए, पूरा पानी सूख गया हमारा भाजी का। देखो एकदम रेडी हो गया हमारा भाजी। भाजी रेडी हो गई देखिए। अभी हम इसको निकाल के रखेंगे। अभी हम दूसरा भाजी बनाने जाएंगे। मैं दूसरा कढ़ाई रखी हूँ। अभी इस तेल डालेंगे इसमें। चार चम्मच उतना तेल रहेगा। तेल गरम हुआ है, लहसुन डालेंगे और कांदा भी डाल देंगे साथ में।
पहला भाजी बनाई वही तड़का है, सही। ये मिक्स भाजी है, मैंने भाजी तीन भाजी ली। सो गाइस, मिक्स भाजी में जो है तीन टाइप का भाजी लिया गया, ये है मेथी और ये है फंसी और ये है बैंगन। सो ये तीन जो है मिक्स भाजी जाने वाला है, तो आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। कांदा और लहसुन गरम हो चुका है और मम्मी थोड़ा लाल होने दो, इसमें मसाला। हाँ, जो सेम जो हरी मिर्च और लहसुन का जो मसाला डाला था वो ही ऐड करना है, वही डालने वाली हूँ। हाँ, ये देखिए नमक, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पौना चम्मच, थोड़ा। अभी हम इसको मिक्स करके लेंगे। ये पंसी का भाजी डाल देंगे। तीनों भाजी बनाओ, बहुत टेस्टी आएगा। मैं रोटी बना रही हूँ, बाजरी की रोटी में खाने का भाजी बहुत टेस्टी है। ये भाजी थोड़ा जल्दी पकता नहीं है, थोड़ा 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद में दूसरा भाजी डालेंगे। ढक के पकाएंगे 2 मिनट। तो भाजी देखिए थोड़ा सा पक गया भाजी। अभी इसमें मेथी डालें, मेथी और ये बैंगन एक साथ से डाल के पकाएं। ये थोड़ा इसको पकने दो, मिक्स करेंगे। हमारा भाजी पकने तक हम आटा मिक्स करके लेंगे, गूंद लेंगे। ये बाजरी का आटा है, अंगे वो तक छान के लेंगे अच्छे से। छानिएगा अच्छा से, अच्छा मुलायम रोटी अच्छा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा गुन के हो गया, ऐसा गुनने का। अभी रोट रख देंगे, भाजी को देखेंगे। अभी भाजी हो गया, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, सूखने के बाद रेडी हो गया हमारा भाजी। ये सेंग का पाउडर है, दरदरा पीस के ली हूँ, ये भून के मैं पीस के ली हूँ। अभी इसमें डालेंगे सेंग का पाउडर, डालने से ना टेस्टी बनता है वो मिक्स भाजी। ये ऑथेंटिक भाजी कह सकते हैं आप, एकदम बहुत ही टेस्टी। तो आप बनाइए, एक्चुअली गाइस बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी बाजरी की रोटी बनाऊंगी, उसके अंदर बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। ऑल्सो मैं एक वेज लवर ज्यादा हूँ, तो मुझे भाजियाँ तो बहुत ज्यादा पसंद है। अभी हमारे भाजी हो गया, रेडी हो गए। अभी इसको निकालेंगे, हम रोटी बनाएंगे। ये आटा,
आटा है, अभी हम इसको तिल लगाएंगे। बाजरी की रोटी को तिल लगा के दे देंगे। ये आटा अभी हम पहला आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। जैसा बड़ा होता है रोटी, जब भी दो हाथ से बनाएंगे डालेंगे। थोड़ा पानी लेने का और एक कपड़े से इसको लगा लेंगे, हल्का से लगा के लेंगे। ये रोटी है ना सूखा सूखा नहीं दिखेगा, पानी लगाने से एकदम सॉफ्ट अच्छा दिखेगा। सही सेकने का कड़क बनेगा ना, बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा रोटी। अभी अपन गरम गरम बनाता है ना, थोड़ा नरम रहता है, थोड़ा सूखने के बाद कड़क बन जाता है। उसके साथ में भाजी के साथ में खाने का बहुत मन। तो ऐसे ही करके और भी जो है बना के ले लेंगे। और एक रोटी बना के दिखाती हूँ, तेल लगा के लेने को और सूखा आटा डाल के लेने का बना। तो ये भी एक बहुत आर्ट है, इसमें ये आर्ट का काम है। ये हर कोई नहीं बना सकता। तो थोड़ा आराम से बनाने का, हर मम्मी लोगों को थोड़ा ऐसा ऐसा नीचे थोड़ा चिपकता है ना, थोड़ा आटा डालते रखते हो जाने का और ऐसा बनाते अंदर नीचे चिपकेगा ना तो रोटी टूट जाएगी। पतला जितना पतला मंगता उतना अपन कर सकते हैं इसी आराम से। ओ वाव, मस्त जो है सेक लिया गया। ऐसे सेकेंगे अभी हो गया, रोटी को निकाल लेंगे। ऐसा इतना सेकने का, देखो अभी दूसरी रोटी डाल देंगे। मेरा छोकरा और बड़ा बना बोलते है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। इसका भर के बना तो नहीं होएगा, ये छोटा है। थोड़ा पानी लगाएंगे इसको, आराम से लगाने का टूट जाता है। तो गाइज ये देखिए हमारा मकर संक्रांति स्पेशल बाजरे का रोटी, ये चावली और मेथी की सब्जी और ये मिक्स सब्जी। तो इतना ही ज़्यादा एकदम ऑथेंटिक लग रहा है, खा के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए खाइए, बहुत टेस्टी रहेगा। तो आप बना के देखिए ज़रूर। तो ये गाइज जाइए और अभी के अभी बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइज ये जो है कर्नाटक का ऑथेंटिक मकर संक्रांति का फूड रेसिपी है। तो जो भी साउथ इंडियन से जाओ और जो नहीं है वो भी जाओ और इस रेसिपी का एंजॉय कीजिए। तो गाइज विशिंग यू हैप्पी मकर संक्रांति, आप भी इस रेसिपी को बना के संक्रांति के मजे उठाइए। ऑडियो